for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left behind. But I don't close the door, waiting a chance for one will be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं जैसे कि योगा एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं एक दिन लेती हूँ आंवला जूस, उसके दूसरे दिन मैं लेती हूँ साफ़ी। इस तरह से अल्टरनेट डेज में मैं करती हूँ, एक दिन साफ़ी तो एक दिन आंवला जूस। इस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ। इससे आपके बाल और साथ में स्किन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेडीज़ और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसे फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय किचन। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आज मेरा होने वाला है फ्रेंड्स, जैसे कि सबको मन है ढोकला खाने का, बेसन का ढोकला बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका ढोकला भी, कई लोगों के होते हैं ढोकला सॉफ्ट नहीं बनते हैं जिस तरह से मार्केट में होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी, बट मैं बताऊंगी बहुत ही ज्यादा सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप इसे फॉलो करेंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल का आपका भी ढोकला बनेगा। तो फ्रेंड्स, ढोकला बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें 350 ग्राम के बराबर बेसन ऐड किया है और इसमें एक छोटा चम्मच के बराबर अदरक और मिर्च पिसा हुआ डाला है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे आधा जो लेमन जूस होता है, नींबू, तो ये खट्टा मीठा दोनों का ब्लेंड होता है ढोकला। और इस तरह से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, तो आधा लेमन इनफ है। और मैं इसमें डालूंगी चीनी, तो पहले हम 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी डालेंगे, बाद में फ्रेंड्स हम इसमें और भी ऐड करेंगे। तो आपने देखा होगा मार्केट में जो भी ढोकला मिलता है खट्टा मीठा होता है और बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, तो 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और नमक थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नमक ऐड मत कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, तो ये 1/4 टीस्पून के बराबर तेल डाला है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा पतला भी नहीं हो जाए, तो इसमें मैं थोड़ा करके आप देख सकते हो इस तरह से पानी ऐड करना है। और इसके बाद जो इनो आता है फ्रेंड्स आसानी से मिल जाता है, ये ग्रीन कलर का है, और ब्लू कलर का जो आता है पैकेट उसका भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी फ्लेवर आपको यूज़ नहीं करना है। एक पैकेट पूरा मैंने डाल दिया है, इसके ऊपर ही इनो के आपको पानी डालना है, थोड़ा सा मिक्स करना और एक ही तरफ आपको अच्छे से बिल्कुल विस्क करना है विस्कर से। और आप देख सकते हो तुरंत ये लाइट हो जाता है, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून से भी बिल्कुल कम चुटकी भर मैंने जैसे कि इसमें हल्दी डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने दोबारा से मिक्स किया है, ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है फ्रेंड्स, वरना ये जो फ्लफीनेस है, ये हल्कापन आया है बैटर में, वो बैठ जाएगा। और पहले से ही मैंने पानी को गर्म कर लिया है, तो ये स्टेप जो आपको जल्दी करना पड़ता है, पानी को आप पहले से ही स्टीमर में चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको प्रोसेस को करना है। तो पानी मेरा एक तरफ गर्म हो चुका है, एक केक टिन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, और ये आप देख सकते हो बैटर को डाल दिया, अच्छे से फ्लफी और हल्का है। इसे ज़्यादा फेटेंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और एक स्टैंड रखा था मैंने ऑलरेडी, और पानी गर्म हो चुका था, इसे मैंने रख दिया है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको कुक करना है, हो सके तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही कुक करें। ये अच्छे से अराउंड 35 मिनट्स लेगा, या 25 to 30 तो मोस्टली लेता ही है, बीच में आप चेक भी कर सकते हो। तो जब तक ये बनता है फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हैं, कुछ ग्रॉसरी के जो सामान थे जैसे कि फली दाना और साथ में कुछ चीज़ें सौंफ वगैरह लेके आए थे, उसको सारे को मैं डिब्बे में डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही है, जो मंथली आता है वो तो काफ़ी सारे आते हैं, ये जो ख़त्म हो चुका था उसे भी बीच में आ जाते हैं। तो ये काली दाल है, उसमें मैंने थोड़ा सा राजमा मिक्स करके रख देती हूँ जैसे कि दाल मखनी बनाने के लिए, तो ये आसान हो जाता है। और बाकी का जो राजमा है उसे मैं सील करके स्टेपलर मार के रख दूंगी। और जो कसूरी मेथी है उसका भी टेस्ट जैसे पनीर वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, तो उसको भी मंगवाई थी। और साथ में ये ग्रीन मूंग दाल है, इन सबको कंटेनर में जो भी है थोड़ा बहुत रख लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये है कुछ जैसे कि बनाना लेके आए थे, साथ में जो भी वेजिटेबल्स लेके आए थे सारा को मैंने फ्रिज के बास्केट में रख दिया था, जमा दिया था।
इतनी देर में ही मेरा ढोकला बनकर भी तैयार हो गया है। आप इसे नाइफ से चेक कर सकते हो या तो फिर इस तरह से टूथपिक से निकाल सकते हो। अगर ये क्लीन निकलता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। अब इसे हम कपड़े से ढक देंगे। आपको प्लेट से नहीं ढकना है, कपड़े से ढक दीजिए। थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। तो दूध भी आ गया है, मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है और ढोकला हमारा ठंडा हो चुका है। साइड से इस तरह से नाइफ से रिलीज कर लेते हैं। दूध हमारा उबल चुका है, उसे रख दिया है और साथ में कुछ 6 से 7 मैंने मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है। बड़ा मिर्च है तो आप 20 से कट करके डबल इक्वल हाफ्स में कर सकते हो। तो ढोकला को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अराउंड 1/4 टेबल स्पून के बराबर मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसमें 2 टीस्पून के बराबर सरसों के दाने ऐड किए हैं। जब तक ये क्रैकल होता है मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, मैं जो ढोकला है उसे कट कर लेती हूँ, छोटा बड़ा पीस जैसा भी आप कट कर सकते हो। और साथ में मैंने मिर्ची डाल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 ग्लास के बराबर पानी। मिर्ची पकने के बाद आपको डालना है। और ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर दोबारा से जो है चीनी डालते हैं। पहले हमने डाला था 2 और अभी मैंने डाला है 1। तो इस तरह से ये जो पानी में जो मिठास आती है वो अच्छे से सोख भी लेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी खट्टा मीठा आपका ढोकला बनेगा। तो मैंने सारा कुछ इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था, धनिया पत्ता डाल लिया था और अब सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे सर्व करती हूँ विद ग्रीन चटनी। पहले से ही मैंने बना के रखा था फ्रिज में। तो ये चटनी आपका जो धनिया पुदीना की चटनी होती है, मिर्च अदरक लहसुन डालकर, टमाटर या नींबू डालकर ये चटनी काफ़ी दिन चल जाता है। आप एक बार थोड़ा सा बना के 1 हफ्ते 10 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। तो मैंने सर्व कर लिया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जूसी और स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है चटनी के साथ और साथ में सॉस के साथ मैं और रोशनी खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स रोशनी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल इसी तरह से आप बनाओगे तो मार्केट स्टाइल का आपका बहुत अच्छा सा ढोकला बनेगा। आप कोई भी गेस्ट भी आए तब भी आप इस तरह से फटाफट, ये है इंस्टेंट ढोकला, इसमें कोई देर तक फुलाना नहीं पड़ता है और क्विक एंड इंस्टेंट तरीके से आप बना सकते हो। तो नाश्ता करने के बाद रोशनी गई थी और उसके पापा के साथ वैक्सीन लगाने। तो ये टीनेज बच्चों के लिए अभी लग रहा है, उसके लिए स्कूल में ही लग रहा था। और दोपहर में आने के बाद मेरे मिस्टर बनाने वाले थे जो वेज बिरयानी। तो अगर ये किचन में होते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, ये खुद ही सारा कुछ हैंडल करते हैं। और मुझे रिसीव हुआ था दोपहर में, जैसे कि सैटन का ये प्रोडक्ट आया था फ्रेंड्स, ये फेस वॉश का, इसका जल्द ही मैं रिव्यू करने वाली हूँ। दोपहर में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं सिंपल लेती हूँ सैलेड और इस तरह से मेरा जो दोपहर है निकल जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।